मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और बात करेंगे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। पिछले दो साल से इस आयोग का गठन नहीं हुआ था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के थे संघ और सरकार और संगठन की बैठक के बाद पूर्व सांसद राजेश वर्मा की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। सोहन लाल और सूर्य प्रकाश को उपाध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से खाली चल रहे आयोगों और निगमों में अब बीजेपी से जुड़े लोगों को नियुक्त करने की जो शुरुआत है उसको देखा जा रहा है। राज्यपाल की संस्तुति से पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और 23 सदस्यों को एक साल के कार्यकाल के लिए नामित भी किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक में खाली पड़े आयोगों और निगम में बीजेपी से जुड़े लोगों को नामित करने पर चर्चा हुई थी। पिछड़ा वर्ग आयोग में अब कुल 27 लोगों का पैनल पिछड़ों के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर काम कर सकेगा। हिंदू युवा वाहिनी में पदाधिकारी रहे फूलन मदन कुशवाहा को भी पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य बनाया गया है। यूपी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नामित सदस्यों को भी बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के नव मनोनीत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई और उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नामित सदस्यों को बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य नामित किए जाने पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ ही साथ यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन पिछले दो साल से लटका था। आयोग गठन लोकसभा चुनाव में झटके के बाद जागी बीजेपी संघ सरकार और संगठन की बैठक के बाद हुआ फैसला है और पूर्व सांसद राजेश वर्मा को पिछड़ा वर्ग आयोग की जिम्मेदारी सोहन लाल और सूर्य प्रकाश को उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही साथ माना यह जा रहा है कि इस तरह से वजन भी बढ़ा है जिस तरह से आयोग का गठन किया जा रहा है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है और हर आयोग जो कि खाली पड़े पद है उनको भरने की कोशिश भी देखी जा रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि दलित आयोग को लेकर के भी SC ST आयोग जो था उसका भी गठन किया, उसमें भी पदोन्नति की और अब OBC वर्ग के आयोग को भी गठन किया गया है और राजेश वर्मा को अध्यक्ष बनाया गया है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही साथ बड़े दिग्गजों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट किया, पोस्ट के जरिए उन्हें शुभकामनाएं और बधाई भी दी है और माना जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में नतीजे मिले उसको लेकर के आप पूरी तरह से सक्रिय है और उपचुनाव को जो कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात देखे गए थे उस तरह के हालात उपचुनाव में ना देखने को मिले उसके लिए पहले से ही जो मौजूदगी है सभी कार्यकर्ताओं कि वो भी देखी जा रही है, आयोग को देखा जा रहा है और हर एक पॉइंट पर नजर रखी जा रही है, हर एक बिंदुओं पर नजर रखी जा रही है और इसी के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से सक्रिय है उपचुनाव को लेकर के। विपक्ष भी पूरी ताकत झोंकने में लगा हुआ है और यहाँ पर बात अब साख की हो गई है जो कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और सीएम योगी भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है, राजेश वर्मा को अध्यक्ष बनाया गया है, ग्राफिक के जरिए भी आपको बता रहे हैं, सोहन लाल और सूर्य प्रकाश बने हैं उपाध्यक्ष। इसी के साथ ही साथ तमाम जो सदस्य हैं उनको भी एक एक जिम्मेदारी सौंपी गई है आयोग को लेकर के। दलित और OBC वर्ग को साधने की जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार देखी जा रही है और हमारे साथ तमाम जो मेहमान हैं वो भी जुड़ेंगे। इसी के साथ ही साथ आपको ये जानकारी दे रहे हैं जैसे ही OBC वर्ग में आयोग में गठन किया गया, राजेश वर्मा को अध्यक्ष बनाया गया, वैसे ही सियासत भी अब
और भी ज्यादा तेज हो गई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से देखा जा रहा है, अगर कुछ भी भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से किया जाता है तो राजनीति के गलियारों में चर्चा होना लाजमी हो जाता है। इसी के साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में झटके के बाद भारतीय जनता पार्टी बताया जा रहा है कि अब जागृति अवस्था में है और हर एक कदम जो है वो फूक फूक कर रख रही है, किसी तरह की कोई कोताही ना बरत जाए, कोई ऐसी चीजें ना हो जाए जिसका फायदा जो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो उठा सके, इसके लिए पूरी तरह से एक्टिव मोड में बीजेपी को देखा जा सकता है। तो हमारे साथ तमाम मेहमान भी हैं और बलराम वर्मा ओबीसी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं और डॉक्टर जितेंद्र सरोज दलित चिंतक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले और आकाश राय भी जो नेता बीजेपी के हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं ओबीसी संस्था के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराम वर्मा जी का। बलराम जी, जिस तरह से खाली पड़े पद थे और ये गठन जो बताया जा रहा है कि पिछले 2 साल से आयोग का गठन नहीं किया गया था और अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई थी, क्योंकि अब देखा जा रहा है उपचुनाव की अभी डेट तो फाइनल नहीं हुई लेकिन उपचुनाव से पहले ये ओबीसी वर्ग को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से देखी जा रही है, क्या कहेंगे आप? बलराम जी, आवाज पहुंच रही है आपको? आ रही सर, आ रही मैम, आ रही। जी बलराम जी, जिस तरह से ओबीसी आयोग का गठन किया गया, राजेश वर्मा को अध्यक्ष बनाया गया है, पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगे। मैम, पहल तो ठीक है मैम, लेकिन ये काम करें हमारे ओबीसी के लिए, और चाहते हैं कि ओबीसी का हिस्सेदारी मिले, इसके लिए हम लोग भी संगठन में काम करते रहते हैं। ये पहल ठीक है हमारे हिसाब से। मैम, किस तरह के कार्य की अपेक्षा आप कर रहे हैं बलराम जी? हम तो ये चाहते हैं कि हमारे ओबीसी की जो हिस्सेदारी है वो मिलनी चाहिए, जो आबादी आबादी के हिसाब से, जैसे एससी को मिल रहा है, एसटी को मिल रहा है, इस तरह से हिस्सेदारी है ओबीसी को मिले। ठीक है, इस बात का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ जब आकाश राय जुड़ेंगे जो कि बीजेपी नेता है, दलित चिंतक भी हमारे साथ हैं, जी जितेंद्र सरोज जी हमारे साथ हैं, आकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, बात ओबीसी आयोग के गठन के बारे में चल रही है, जिस तरह से कहना है बलराम जी का। आकाश जी, हाँ आकाश जी के पास चलेंगे लेकिन जितेंद्र सरोज जी हमारे साथ हैं, इनसे पहले जान लेते हैं इनकी प्रतिक्रिया क्या है। और लोकसभा झटके के बाद भारतीय जनता पार्टी जाग गई है ऐसा माना जा रहा है, लेकिन तमाम बातें हैं निकलकर सामने आ रही है। जो विपक्षी दल है लगातार बलराम जी यही कह रहा है कि अब चूंकि जिस तरह से ओबीसी दलित को लेकर के पीडीए बनाया गया, ऐसा कहना है विपक्षी दलों का, लेकिन अब चूंकि देखा जा रहा है जिस रास्ते विपक्ष चल रहा है उसी रास्ते पर सत्तारूढ़ दल को भी देखा जा सकता है। आकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगे जिस तरह से अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है ओबीसी आयोग के गठन को लेकर के। मैं स्वागत योग्य कदम है और ये इसकी प्रतीक्षा काफी दिनों से थी और इसका स्वागत होना चाहिए। और निश्चित तौर पे देखिए, जो भी आयोग खाली थे उनमें भरने की प्रक्रिया सरकार ने शुरू की है, और पिछड़ा आयोग हो या अनुसूचित आयोग हो, अनुसूचित जनजाति आयोग हो, इन सब में जो खाली रिक्त पद पड़े हुए थे उनपे भरने की प्रक्रिया सरकार ने शुरू की है और बहुत जल्दी पूरी कर देंगे उसको। आकाश जी, भरने की प्रक्रिया तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि उपचुनाव आने वाले हैं, यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं और इसी दौरान आयोग का गठन किया जा रहा है, इसे राजनीति से भी लेकर जोड़कर देखा जा रहा है कि दलित वोटर्स हैं जो वंदना भी जी, उनको देखिए साधने की कोशिश की जा रही है, ओबीसी वर्ग के जो भी वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश की जा रही है, ऐसा विपक्षी दलों का आरोप है। वंदना जी, देखिए विपक्ष का काम है आरोप लगाना, विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन जब भी कोई हम अच्छा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उसकी नीति में यह है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं,
क्योंकि जब भी कोई अच्छा काम होता है, कोई बड़ा काम होता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव चल रहा होता है। अभी उत्तर प्रदेश में आप देखिए, अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, आने वाले समय में अभी पंचायत के चुनाव शुरू होंगे, फिर सहकारिता के चुनाव शुरू होंगे, फिर विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। ये कहना है कि हम चुनाव को देख के कोई काम करते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। जब भी कोई अच्छा कदम हमारी सरकार उठाती है, कोई व्यापक परिवर्तन लाने का काम हम करते हैं, तो विपक्ष हमेशा ये बात कहता है कि चुनाव को देख के किया ये कार्य। लेकिन चुनाव तो कहीं ना कहीं निरंतर चल रहे हैं। और वंदना जी, मैं एक बात कहूंगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया था, तो उन्होंने संसद की पटल पे यह बात कही थी कि यह सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, यह सरकार जो सबसे पंक्ति में पीछे रह गए लोग हैं उनको समर्पित सरकार है। इसलिए चाहे वो पिछड़ा आयोग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति आयोग हो, चाहे महिला आयोग हो, चाहे जहां पे भी हमें आकाश जी काम हमारे करने की साथ आवश्यकता बलराम जी महसूस भी हो रही जुड़े है, हुए हैं। हम वो काम आकाश जी करते हमारे हैं, साथ चुनाव नहीं देखते। आकाश जी हमारे साथ बलराम जी जुड़े हुए हैं, जो कि ओबीसी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि आयोग बनाया है, अध्यक्ष की नियुक्ति की है, अच्छी बात है, लेकिन ओबीसी के लिए करे तो आप सही। उनके इस सवाल का नहीं जवाब नहीं आपसे जानना सबसे चाहेंगे। सबसे वंदना जी सबसे ज्यादा काम ओबीसी वर्ग के लिए उत्तर प्रदेश में हमने किया है, इसीलिए जनता हम पे मुहर भी लगा रही है। आप देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों में 2017 से पहले ओबीसी में सिर्फ एक जाति को माना जाता था। सारी नौकरियों से लेके सारे सरकारी लाभ, सारी सरकारी चीजें उसी एक जाति को मिलती थी। हमने उसमें परिवर्तन किया है। हमारे लिए हम तो हमारा तो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो सामूहिक राजनीति कैसे की जाए, सबको साथ कैसे लेके चला जाए, सबका साथ सबका विकास कैसे हो, इस मोटो पे भाजपा काम करती है और उसी मुद्दे को लेके हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बलराम जी, आकाश जी कह रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बस अपने एक ही स्लोगन में चलती है, सबका साथ सबका विश्वास होना चाहिए और पूरी तरह से सबको सामूहिक राजनीति के साथ ही सबको साथ लेकर चलती है, तो ऐसे में आप अपने आप को पीछे क्यों मानते हैं? सबसे ज्यादा मैम आपको पीछे जो लाभ पीछे है ऐसे बीजेपी मानते सरकार हैं में ही कि मिला है, ऐसा कहना है आकाश जी का। इनकी जो नियत है, नियत में शक है। ये कहते कुछ है करते कुछ है, क्योंकि ये इन्होंने आयोग तो बना दिया और ये टेबल पे बना के रख देंगे और हमारे समाज के लोगों को लॉलीपॉप चलता रहेगा, क्योंकि ये नियत इनकी ठीक नहीं है। ठीक इसी तरह जिस तरह से पीछे जो आरक्षण देने की बात की, तो कई स्टेटों में कई 7% मिलता है, कई 3% मिलता है, 4% मिलता है। आज आज के टाइम पे हमें ये भी नहीं पता कि हमारी कुल कुल संख्या भारत में क्या है, और ये जब हम करना चाहते हैं, कुछ लोग करना चाहते हैं करने नहीं देते, इनको क्या इतराज है। आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं बलराम जी? जी आकाश जी आप इनका जवाब दीजिए। जिस तरह से बोल रहे हैं कि आप उनकी संख्या काउंट करना चाहिए, वो चाहते हैं कि काउंट हो लेकिन आप करना नहीं चाहते, ऐसा क्यों है? जाति जनगणना की बात लगातार विपक्ष उठा रहा है। वंदना जी, जिस पिछड़े आयोग की बात हो रही है ना, उस पिछड़े आयोग को संवैधानिक दर्जा भी हमने ही दिया है। बहुत दिनों से ये मांग थी कि इस पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ये काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और पूरे देश में आप उठा के देखिए, खास करके पिछड़ों की बात हो, दलितों की बात हो, महिलाओं की बात हो, जब इस तीनों चीजों को लेके काम करने की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी उसमें सबसे आगे होती है। और सिर्फ सरकार की बात नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसमें भी आप उठा के देखेंगे तो कैसे लोकतंत्र के तरीके से चलाया जाता है संगठन को, आपको भाजपा में दिखेगा। हम परिवारवादी काम नहीं करते हैं कि एक परिवार के लोगों को, 20-20 लोगों को संवैधानिक पदों पर बिठा दिया जाए। हाँ, निश्चित तौर पे जहां जिसकी जरूरत समझ में आती है उसको वो काम दिया जाता है। और मैंने कहा ना कि इस समय उत्तर प्रदेश में जो जो पिछड़े आयोग, चाहे अनुसूचित आयोग, चाहे महिला आयोग, चाहे जिन भी आयोगों में जो भी पद रिक्त थे उनको भरने का काम हमने शुरू किया है, तो ये तो स्वागत योग्य कदम चलिए है, नोटिस इसका किया तो आपने। सबको मिलकर स्वागत करना चाहिए।
ठीक है, आगे चर्चा करेंगे इसी को लेकर के। फिलहाल बात कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है और इसको लेकर के अब विपक्षी भी अपना सुर अलापने लगा है। बात कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सरोज दलित चिंतक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गौरव अवस्थी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर जितेंद्र सरोज जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले ही SC ST आयोग का भी गठन किया गया था और इसके बाद एक जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई थी, अब OBC वर्ग को लेकर के भी एक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, तो ये माना जा रहा है कि जो राजनीति है उपचुनाव को लेकर के बीजेपी पूरी तरह से सक्रिय तो है, लेकिन इन दोनों ही जो वोटर्स हैं, आयोग हैं, दलित, खासतौर पर दलित और OBC को अपने पाले में लाने के लिए ही आयोग का गठन कर रही है, ऐसा विपक्षी दलों का आरोप है। आपके क्या विचार हैं? जितेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आपको? नहीं, नॉट नॉट स्टिल नॉट। अब आवाज पहुंच रही है आपको? गिव मी नेक्स्ट टाइम, तब चलिए तक आप ठीक दूसरे से है, डिसीजन कर लीजिए, क्योंकि ये कुछ ठीक है, लौटेंगे आपके ईयरबड्स प्रॉब्लम पास, आ रही है। लौटेंगे आपके पास जितेंद्र जी। आप, नेटवर्किंग इशू है। और गौरव अवस्थी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब चुनाव को लेकर के, खास तौर पर आकाश जी का ये कहना था कि चुनाव हर समय रहता है, तो इसको अगर राजनीति से देखा जा रहा है तो गलत है, चाहे वो SC ST आयोग को लेकर के हो या OBC आयोग को लेकर के हो, और सरकार हर पहलू पर काम कर रही है, भले ही लेट कर रही है। जी, हमसे सवाल किया है ना जी आपने, सर, तो आपने हमसे सवाल किया है ना। जी सर, मेरा बस ये कहना है कि जो भी बातें आ रही हैं, यूपी में भी आपको भी पता होगा और बहुत से लोगों को पता है कि कई आयोग, कई समितियों में कोई भी नॉमिनेशन पिछले 5 साल में, तो पिछली कार्यकाल में तो नहीं हुआ, इधर भी लेट हुआ। और इसमें कोई किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि जब से ये लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं कि सरकार के कुछ रुख में परिवर्तन आया है, हर तरह से दिख रहा है। तो सरकार का काम होता है कि लोक कल्याण के काम करे, जो आयोग बने हैं, जो तमाम समितियां बनती हैं, तमाम उसमें नियमानुसार नियुक्ति रहे। कई बार सामाजिक समाज से आवाजें उठती हैं कि लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई, या ऐसे जो विभागों के भ्रष्टाचार को देखने वाले, जांचने वाले संस्थाएं हैं। तो ये क्यों खाली है, इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। और जो समय उन्होंने चुना है इनको भरने के लिए, ये इस समय पे जो सवाल विपक्षी दल उठा रहे हैं, तो उसपे आपका बहुत कुछ बनता नहीं है। ये हम सबको पता है, 7 साल से हम लोग कार्यकाल देख रहे हैं। हर आदमी, हर आजकल तो हर व्यक्ति जागरूक है और सोशल मीडिया इतना प्रभाव डालता है। तो मेरा यही निवेदन है कि सरकार समय रहते, क्योंकि तो पिछड़ा वर्ग आयोग आज अध्यक्ष नियुक्त हुआ है, कब से खाली था इसको भी बताना चाहिए कि क्यों खाली था। केवल नियुक्ति से ही संदेश नहीं जाने वाला है कि किस वजह से खाली था। सरकार को ये स्पष्ट करते हुए अपनी नियुक्ति को जस्टिफाई करना चाहिए, बिल्कुल या सर, भारतीय जनता पार्टी को, कि उनके पास तो सरकार के सारे सिस्टम है कि वो पता करें कि इतने दिन से क्यों खाली था। तो खुद भी तस्वीर, किसी को कंफ्यूजन का कोई कारण नहीं मिलेगा कि किस वजह से नियुक्ति नहीं हो रही। तो मेरा एक यही सुझाव है कि अपने समय पर, सरकारों का दायित्व तो है, जो सत्ता में आए, तो गौरव जी, समाजवादी इसका पार्टी जवाब हम हो, जान लेते कांग्रेस हो, हैं, बीजेपी भारतीय जनता नेता भी पार्टी हमारे हो, साथ बहुजन जुड़े समाज हैं। पार्टी हो, सभी बीजेपी पार्टियां राज कर चुकी हैं। कोई पार्टी अछूती नहीं है, जो प्रदेश की बड़ी पार्टियों में गिने जाते हैं, और जो छोटी पार्टियां हैं उनका वो सहयोगी भूमिका में हर दल के साथ है। तो बिल्कुल सर, और ये हाँ, इसका आंसर जो है वो हम बीजेपी नेता से जानेंगे। इससे पहले हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सरोज भी हैं। जितेंद्र जी, आपको आवाज पहुंच रही? क्लियर आवाज आ रही है आपकी?
ठीक है जितेंद्र जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस समय सियासी भूचाल तो देखा जा रहा है, चाहे वो बात उपचुनाव को लेकर के हो या फिर लोकसभा चुनाव जो कि हो चुका है उसके परिणाम को लेकर के हो। दलितों को साधने की कोशिश भी बताया जा रहा है कि विपक्षी दल हमेशा से आरोप लगाते नजर आए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी अब उन्हीं के कदमों पर चलती नजर आ रही है। लेकिन मसला ये है कि इतने दिनों से जो खाली पद थे, आयोग का गठन जो कि नहीं हो पाया था इतने लंबे अरसे से, चाहे वो SC ST आयोग का हो या OBC आयोग का हो, लेकिन अब सरकार ने देखा है कि यहां पर ये आयोग खाली है तो यहां पर नियुक्तियां होनी चाहिए। इस पर आपका रिएक्शन क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मेरी प्रतिक्रिया यह है कि ये जो वोट बैंक देख करके काम किए जा रहे हैं बिल्कुल गलत है ना। कोई भी सरकार हो उसको इस देश के सारे नागरिकों के सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। एक विशेष मौके पे एक विशेष समय को देखते हुए ये काम को करने का मतलब है कि आप सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ये काम पहले भी हो सकता था, आज की सरकार तो नहीं है क्या, तब उसने ध्यान नहीं दिया क्यों खाली पड़े क्यों नहीं भरे गए। लेकिन अब ये देख कर विपक्षी पार्टी क्या कर रही है, उनके सिस्टम कैसे चल रहे हैं, वो क्या मुद्दे तरीके अपना रहे हैं, किस तरीके से वो हमें बीट्स कर रहे हैं इस चुनाव में, जैसे कि लोकसभा के इलेक्शंस में हुआ। तो इस चीजों को देख करके बीजेपी अब अपने सारे जो तौर तरीके वो पलट रही है, और अच्छी बात है, पलटना चाहिए। सरकार किसी भी हो हमको किसी से मतलब नहीं होता, लेकिन हमारी जो सुख सुविधाओं का ध्यान है, जो हमारी बेसिक मूलभूत संवैधानिक रचनाएं जो हमें दी गई है उसका तो संरक्षण करने का अधिकार बनता है किसी भी पार्टी का। तो बीजेपी इसमें क्या करती है, खेल खेलती है वो, तो बिल्कुल एक पहले एक करके समुद्र में कंकड़ को मारती है फिर देखती है उछाल कितना है। उनके मैं आपको कई सारे बातें गिना दूंगा। SC ST के लिए हम लोगों के लिए जो FIR वाले मुद्दे के पहले धर्म भारत बंद हुआ, फिर रस्तर प्वाइंट पे भारत बंद हुआ, फिर अब ये नया जो सब कैटेगराइजेशन किया जा रहा है, बिल्कुल अगर कोई सब इसका कैटेगरी आधार ही किया जा नहीं। रहा है, एक सवाल रहेगा सर आपसे, जिस तरह से सब कैटेगरी किया जा रहा है तो इसमें तो मुझे तो नहीं लगता कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। भाई बीजेपी का भी यही मानना है कि जो इस उसमें वर्ग में आते हैं, चाहे वो दलित हो या OBC हो, इन कैटेगरीज में जो सब कैटेगरीज हैं, जो अछूते हैं, जिन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन्हें लाभ अगर दिया जाए तो इसमें क्या हर्ज है? तो ये दो बात मैं आपके ही प्लीज हित में है, बात आपके ही पक्ष में है। 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा, हमारे साथ सभी भाई बंधु लोग हैं। सब कैटेगराइजेशन का हाँ मीनिंग्स क्या है, आप कम समय में ये थोड़ी अपनी जल्दी से बात पूरी करिएगा, समय का थोड़ा सा अभाव मैं है। ये है कि जैसे कि अगर हम चलो कहीं 5 सीट आई तो 21% के हिसाब से संसद में हमारा चलो 1 सीट आता है। अब 1 सीट इस बार किसको जाएगी, किस पॉपुलेशन बेस पे जाएगी, किस कास्ट पे जाएगी, ये कौन डिसाइड करेगा। अगर चलिए किसी और कास्ट को दे देते हैं, अभी भी जो इसी वर्ग में पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ खास वर्ग जो सच में है, उनको भी NFS करके बाहर कर दिया जा रहा है। अभी हाल ही फिलहाल में SGPJ में मर्मा जी का मामला था, जो कि गांधी कर्मा के रिलेटिव भी है, उनके साथ ही NFS लिख के दे दिया। जो बंदा उसी इंस्टीट्यूट का पढ़ा हुआ है, SGPJ का ही पढ़ा हुआ बंदा NFS हो जा रहा है, तो इसका मतलब है तो संस्था गलत है, कुछ उसमें जो गलत काम किए जा रहे हैं, जो बातें हो सकती है ना। तो अगर आपने चलो मान लिया इस बार किसी ऐसे कास्ट को दे दिया है जिसका कि वास्तव में मेरी और जनरेशन की बेसिस पे ही वो आया हुआ है, अगर हमने नारी को दे दिया, नारी में पता चला पता है ऑलरेडी उस पर जनरेशन के हाथ पैर से फायदे मिले हैं, लेकिन हमें पता चला किसी मिल क्योंकि जो फाइट करने उसको नहीं दे रहा हूँ, जो फाइट करने के योग्य नहीं है, जो बेसिक उसकी पूरी स्ट्रक्चर ही रिजर्वेशन पे खड़ी है, तो फिर आप उसको बोल दोगे NFS बोल दोगे, और आपस में लड़ने का तरीका नहीं, ऐसे कैटेगराइजेशन बिल्कुल ठीक नहीं है। आप किसके पास आएगी उसके लिए आए आपस में कास्ट दे लो, मैं देख लूंगा। ठीक है, इसका पहले आंसर हम जान इस लेते हैं, जान बार लेते हैं जितेंद्र जी। नहीं आकाश जी, बहुत कम समय में एक छोटा सा आंसर दे दीजिए। गौरव अवस्थी जी जो बात कर रहे थे कि अभी तक ये खाली पड़ा था पद, अभी तक नियुक्ति नहीं की थी, आयोग का गठन नहीं किया गया था, तो अभी तक ये खाली पद क्यों पड़ा था? सरकार आपकी थी, अभी तक इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया और इस पर नजर क्यों नहीं गई? बहुत छोटा सा आंसर चाहेंगे सर। वंदना जी, पिछली सरकार में भी सारे आयोगों का गठन हुआ था, सारे पदों को भरा गया था, लेकिन उनमें से बहुत सारे सदस्य और जो उपाध्यक्ष या अध्यक्ष थे, कहीं कोई राज्यपाल बन गया, कहीं कोई केंद्र में मंत्री बन गया, तो वो सारे स्थान रिक्त हुए। जब वो स्थान रिक्त हो गए तो स्वाभाविक सी बात है कि नई प्रक्रिया के तहत उनको फिर से भरा जाएगा, वही प्रक्रिया करके हम उन रिक्त स्थानों को भर रहे हैं, तो इसका स्वागत होना चाहिए। और जो अभी
कह रहे थे जितेंद्र जी जो बात कह रहे थे, मैं उस पर एक छोटा सा आंसर देना चाहूंगा। वंदना जी, बिल्कुल सर, पूर्ववर्ती सरकारों में दो चीजें होती थी, नान ओबीसी यादव और नान जाटव एससी, इन दोनों लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलती थी, न किसी आयोग में और न ही किसी सरकारी सुविधाओं में। उस परिदृश्य को हमने बदलने का काम किया है। आज ओबीसी वर्ग में बंटवारा नहीं करते, जो भी ओबीसी वर्ग में आता है सबको समान भाव से देखा जाता है, एससी वर्ग में जो लोग आते हैं सबको समान भाव से देखा जाता है, फिर चाहे वो जाटव हो या नान जाटव हो, फिर चाहे वो यादव हो या फिर नान यादव ओबीसी। चले ठीक है। अशोक जी का कहना है कि सभी जो माफ कीजिएगा, आकाश जी का कहना है कि जो सभी जातियां हैं उनको बराबर का हक दिया जा रहा है, चाहे वो जाटो हो या नॉन जाटो हो, यादव हो या नॉन यादव हो, यानी कि दलित ओबीसी किसी भी वर्ग का, अगर कोई भी वर्ग होता है या संस्था होती है उसको समान भाव से ही सरकार देखती है, लेकिन ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा ही बनकर रह जाता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन चूंकि कर दिया गया है, राजेश वर्मा को अध्यक्ष बना दिया गया है, और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जिसके लिए इतना कुछ कोशिश की जा रही है, आने वाले समय में जब उपचुनाव होने की घोषणा होगी, तारीख का ऐलान होगा, उसके बाद का जो रिजल्ट है वो क्या देखने को मिलता है। फिलहाल पिछड़ा वर्ग आयोग में इतना ही, और बाकी की जो खबरें हैं उसके लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।